तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपने अपने लाइफ में एकदम खुश रह रहे होंगे, हैप्पी रह रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेक करने वाली हूँ मैं, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करने वाली हूँ, वो ये चीज़ को चेक करने वाली हूँ कि जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस इंसान के लिए, जिस पार्टनर के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, कोई एक्स्ट्रा मेट रिलेशनशिप के लिए, वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे कोई फैमिली का, फ्रेंड्स का, कोई भी रिश्ता है, क्या जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, क्या ये पर्सन अगर आपके साथ किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन में है, तो क्या ये पर्सन के चांसेस हैं आपकी लाइफ में वापस आने के, ठीक है ना। तो आज इस चीज को चेक करेंगे, क्योंकि देखिए, जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, ठीक है, अगर आप इतने सालों से हैं या कुछ महीनों से हैं या कुछ कुछ भी टाइम से आप हैं, और अचानक सडन आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है ना, या फिर कोई भी रीजन से, कोई भी चीज से आप दूर हो गए, आप लोग अलग हो गए, या आपने मैरिज आप करना चाहते हो, शादी आप दोनों करना चाहते हो, लेकिन ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही हो गया, तो अब कैसा मैरिज होगी, कैसे वो आपकी लाइफ में आएंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है और इस कंफ्यूजन के साथ आप जी रहे हो, तो आप तो जो है वो आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ मैं सिर्फ इसी चीज को कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये खत्म होगा कि नहीं होगा, पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, ठीक है। तो ये चीज को आज देखेंगे। पर अगर मान लीजिए आपका कोई नो कॉन्टेक्ट है नहीं, बट आपको कोई पर्सन पसंद आता है, कोई अच्छा लगता है, कोई पर्सन आप उससे बात करते हो, तो क्या वो आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आज की रीडिंग टोटल इसी पर ही है कि आपका जिसके बारे में सोचते रहते हो दिन रात, क्या ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी पर्सन, डेस्टिनी पार्टनर है ये, क्या ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, अगर है, अगर किस्मत में इनका आना तो कब तक है। तो आई होप कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगी ये रीडिंग, है ना। तो रीडिंग को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, और पहले मैं ना हीलिंग कर लेती हूँ ताकि एनर्जी थोड़ी सी क्लीन हो जाए, क्योंकि हीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर निगेटिव एनर्जीज है, निगेटिव वाइब्रेशन है ना, तो फिर क्या होता है ना कि जब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है ना वो खिंचता चला जाता है। तो इसके लिए मैं हील कर देती हूँ। फिलहाल के लिए जो आपकी एनर्जीज है जो आसपास की, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो चलिए चेक कर लूँगी मैं सारी चीज़ों को, और रीडिंग के बीच में या रीडिंग के लास्ट में मैं एक मैसेज लेने वाली हूँ आपके ही पर्सन का, मैसेज जो आपके पर्सन आपको मैसेज सेंड तो मैसेज कहना तो चाहते हैं, बात करना तो चाहते हैं, लेकिन वो बात वो अपने दिल में ही दबा के रखे हुए हैं। तो आज के दिन में जब आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, इस रीडिंग में मैं उस मैसेज को भी लेने वाली हूँ, और आपको मैं राशियां भी बताने वाली हूँ, आपको मैं लेटर्स भी बताने वाली हूँ कि उनका जो नाम है वो किस अक्षर से स्टार्ट होगा, मतलब एंजल्स नंबर भी बताने वाली हूँ, सारी कंप्लीट चीज मैं आपको यहाँ पर ना इस रीडिंग में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तो अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूजन मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं है, मुझे तो अपनी पर्सनल रीडिंग को चेक करवाऊंगी, उसी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग जब मुझे इतना कनेक्ट करती है, तो फिर पर्सनल रीडिंग सोचो कितना कनेक्ट करेगी, है ना, पर्सनल रीडिंग कितना कनेक्ट करेगी, क्योंकि अगर आपको जनरल रीडिंग मैच करती है तो इसका मतलब है कि आपको नीड है पर्सनल रीडिंग की, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर जनरल रीडिंग आपको कनेक्ट कर गई है, इट मीन्स उसके बाद भी रियूनियन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी नीड है पर्सनल रीडिंग की, क्योंकि आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज है, हजार गुना पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कहीं इतनी सी एनर्जीज जो है ना, वो आपकी इतनी सी एनर्जीज कहीं पर रुकी हुई है, और उसी रुकी हुई एनर्जीज को हम चेक करेंगे पर्सनल रीडिंग से, और उसके बाद उस एनर्जीज को आपको बताएंगे और उसका उपाय आपको बताएंगे, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में खुश रह सको, पॉजिटिव रह सको, और लॉन्ग टाइम तक रह सको अपने रिलेशनशिप को। तो अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी देर मत करो, नंबर नोट कर लो मेरा 9540119650, और ये नंबर व्हाट्सएप पर है, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, नेम प्लेस एज वगैरह आपको देनी होगी, ताकि मैं डिटेल्स से आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग को निकाल सकूं। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी मेरी बात को। तो अभी चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं।
तो पहले मैं एनर्जीज को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, एनर्जीज बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जीज क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो अपना रास्ता बदल लें। सारी नेगेटिव ऊर्जाएं यहाँ से चली जाएं, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, एक पॉजिटिविटी आए, एक पॉजिटिव संदेश लेकर आए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिले, पॉजिटिविटी आए, सारी निगेटिव ऊर्जाएं उस सेंडर के पास चली जाएं वापस, जिस सेंडर ने सेंड की हो। और इस समय पूरा एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, एक पॉजिटिविटी लेकर आए। तो यहाँ पर कोई भी ऊर्जा निगेटिव अब नहीं है, एक एनर्जी पॉजिटिव वाली है, और ये पॉजिटिव एनर्जीज बड़ी कमाल की है, और ये एनर्जीज पूरी चीजों को सब कुछ पॉजिटिव करेगी, है ना। और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो वापस से उसी के पास चली जाए जिसने इस नकारात्मक ऊर्जाओं को सेंड किया हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है, रिसीव करें उस पॉजिटिव ऊर्जा को, रिसीव करें। तो ईश्वर को नमन करके ही हर काम की शुरुआत करते हैं। तो मैं भी एनर्जीज को पॉजिटिव देख करने के लिए हील करती हूँ। तो अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं या रीडिंग लेना चाहते हैं तो एक ही नंबर है, नोट कर लीजिए, 9540119650, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपने पर्सन का नाम 2 से 3 बार ले लें, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का नाम आप ले लें, ताकि आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा कार्ड स्टक हो रहे हैं, है ना। कार्ड स्टक होने का मतलब साफ है, इस वक्त पेनफुल एनर्जीज में हो आप, या पेनफुल एनर्जीज में आपका पर्सन, या फिर आप दोनों ही पेनफुल एनर्जीज में हो सकते हो। किसी बात को लेकर नाराजगी है, इसीलिए एनर्जीज अटक रही है, स्टक हो रही है। देख रहे हो आप, इतना टाइम हो गया अभी तक कार्ड नहीं आया है। थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्ड ले लेती हूँ। ये पेन को बता रहा है कार्ड, आपके पर्सन को पेन को बता रहा है, आपके पर्सन के पेन को। लीजिए, पेनफुल एनर्जीज है, ओके। चेंज, सक्सेसफुली चेंज, सक्सेसफुली चेंज क्या, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड कर दे यूनिवर्स। एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, उम्मीद दिखाई दे रही है भाई, फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव आएगा। आई थिंक देखिए हीलिंग का असर कितनी जल्दी होता है ना। नकारात्मक ऊर्जा एकदम चली गई और एकदम पॉजिटिविटी आई है, और सक्सेसफुल चेंज, वेरी नाइस, सक्सेसफुल चेंज। बॉटम में द क्रिएटर का कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्रॉपर तरीके से समझाएं हमें कि क्या होने वाला है। इस वक्त मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज को प्लीज मेरे सामने ले आएं और बताएं उनके पर्सन की जो करंट भावना है उनको लेकर क्या है, क्या वो मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, उनके जो पार्टनर पर्सन है क्या इस वक्त मिस कर रहे हैं। ओहो, टर्निंग इनका कार्ड। एक बात मैं बोलूं गाइस आपको, अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है ना, थर्ड पर्सन में अगर आपका पर्सन है, थर्ड पर्सन वो कोई भी हो सकता है, फैमिली का मेंबर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा अदर पर्सन हो सकता है, जो कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेकर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अब थर्ड पर्सन की नहीं चलने वाली, बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन के जो मन में ना थर्ड पर्सन के लिए कहीं ना कहीं उसकी जो क्लेवरनेस है ना उनको जान पाए हैं। कार्ड मेरे को यहाँ पर ये कह रहे हैं बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव एनर्जीज थी ना, वो निगेटिव एनर्जीज खत्म हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कि हालांकि जो थर्ड पर्सन है वो कंट्रोल पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं आपके पर्सन की जो कि मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपके लिए, है ना। और यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है, अचानक से परिवर्तन, अचानक से नया मोड़, है ना, अचानक से नया मोड़, और अचानक से नया मोड़ आपकी जिंदगी में आने वाला है, है ना। और ये जो करंट एनर्जीज आई हुई है इसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को रोका तो बहुत जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो माइंड है उसको भी बहुत चेंज कर दिया गया है, और उनका माइंड इसलिए भी चेंज हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस वक्त
है ना, काफी ज्यादा निगेटिव ऊर्जाएं हैं और काफी ज्यादा आप दोनों के बीच में ताकि दूरियां रहें वो चीजें भी यहाँ पर सेंड की जा रही है। तीसरी चीज यहाँ पर, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाऊंगा या मूव ऑन हो जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ये इसीलिए भी ऐसी स्थिति हो रही है कि आप ऐसा सोच रहे हो। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हावी बहुत है निगेटिव ऊर्जाएं और इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो रहा है, लेकिन टर्निंग इनका कार्ड है जो कि यूनिवर्स की तरफ से एक अच्छा संदेश है, यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव संदेश है और ये संदेश यहाँ पर आपके रिश्ते में एक न्यू ऊर्जा को लेकर आ रही है, एक न्यू चमक को लेकर आ रही है। बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, बहुत लंबे टाइम से अलग हो, या बहुत लंबे टाइम से सिर्फ इसी आस में जी रहे हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो टाइम जो है वो दौड़कर आपकी तरफ आ रहा है और वो टाइम जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। वो टाइम आपको जो परेशानियाँ हैं जो लाइफ में चल रही हैं वो परेशानियों से बाहर निकालेगा। यहाँ पर ये द क्रिएटर का कार्ड आप देख रहे हो, ये क्रिएटर का कार्ड एक संदेश को बता रहा है, एक यूनिवर्स की उस मैसेजेस को बता रहा है जिस मैसेज को देखने के लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ठीक है। अगर सडन ये रीडिंग आपके सामने आई है, आपने इसको क्लिक किया है, ठीक है, आपका मन हो रहा है इस रीडिंग को देखने का, ऊर्जा अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही है, यकीन मानिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी परेशानियां थी, तुम्हारी लाइफ की सारी परेशानियां दूर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज का कार्ड है और आप फर्स्ट कार्ड को देख पा रहे हो, अगर देखिए ध्यान से, ये कार्ड एक सक्सेसफुल चेंज को बता रहा है। कौन सा चेंज, मैं बताती हूँ, वो चेंज जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। मैं थोड़े से कार्ड को डिटेल में लेकर जाऊंगी एनर्जीज को और देखती हूँ कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चीज ऐसी है जो इस वक्त इतना ज्यादा आपको परेशान कर रही है, या इस वक्त कौन सी परेशानियां आपके लाइफ में है, या क्या चीज ऐसी है जो आपके सामने ऐसे कार्ड आए हैं कि टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ है। क्यों आया है ये टर्निंग इनका कार्ड और किस चेंज को हमें यूनिवर्स कह रहे हैं, किस चीज चेंज को बता रहे हैं यूनिवर्स, किस चेंज की तरफ हमें गाइड कर रहे हैं, इस चीज को जरा देखेंगे। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का, जो भी आपके पर्सन है आप उनका नाम ले सकते हैं ताकि आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट हो। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इस चेंज को देखेंगे। कार्ड नीचे गिर गया था। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जानते हैं क्या कह रहा है ये कार्ड, क्यों आया है ये कार्ड। ये कह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको छोड़कर चला गया था, आपके रिश्ते को तोड़कर चला गया था। जहां तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, आपने ना अपनी लाइफ में धोखे बहुत खाए हैं गाइस, बहुत ही धोखे हुए हैं आपके साथ। मतलब अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ना, मतलब लाइफ में ना ऐसे ऐसे लोग मिले हैं आपको, आपने जितना सबके साथ किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जितना जितना आपने सबके साथ किया है उतना ही सबने आपको धोखे दिए है ना। मतलब अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात कहूँ, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल मेरे पास उल्टा है, रिवर्स में आया, तो मतलब बहुत बहुत सहा है आपने इस रिलेशनशिप में, बहुत ही सहा है। और टू ऑफ पेंटिकल तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आज भी, मतलब इवन आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो। और सेकेंड चीज, क्योंकि देखो आपने, मतलब इस पर्सन ने आपको ड्रीम्स दिखाए, आपको है ना, आपको ड्रीम्स दिखाए तभी आप इस रिलेशनशिप में गए, और डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। और अगर हम इस कार्ड को हटा दें, साइड कर दें किंग ऑफ सोर्ड्स को, तो लीजिए हो गया आपका रिलेशनशिप अच्छा, वापस से आप दोनों मिल गए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है ना, कि जो पर्सन इस वक्त जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन तो आज कहीं ना कहीं इसकी ऐसी स्थिति हो रही है या इस सिचुएशन में है ये इंसान, कि ये सब कुछ भुला कर आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहता है। सब कुछ भुला के मतलब, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, यदि आपका, ठीक है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो आपका जो पुराना रिश्ता रहा है इनके साथ,
वो बहुत क्लोज रहा है, बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत क्लोज रहे हो आप एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन जो अनबैलेंस हुआ है ना जब से ये रिश्ता, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने 3 महीने या किसी किसी के 7 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं जो चीज़ें को देख रही हूँ उसमें मैं यहाँ पर एग्जैक्ट यही चीज़ को देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से चीज़ें बहुत खराब हो गई है, ठीक है। बल्कि क्रिएटर का कार्ड हमें ये तक बता रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी समझी थी, है ना, और बहुत क्लोज आ गए थे, बहुत ही क्लोज, मतलब बिना शायद कोई मैसेज या कॉल करे या बिना बात करे शायद ही कोई दिन कटता होगा, शायद ही कोई दिन कटता होगा। मतलब आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो गए ना तो आपको, आपके साथ बात तो आपके आपकी ऐसी होती थी आप दोनों की जैसे कि मतलब आप साथ ही में रह रहे हो, है ना, हर चीज मतलब ऐसे कि पता ही नहीं चलता था कि आप दूर हो कि एक साथ में रह रहे हो। मतलब दूर होकर भी मैं बोल रही हूँ ना, लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या, मतलब आप कहीं वो कहीं, है ना, लेकिन जुड़े ऐसे थे ना कि लगता था एक घर में रह रहे हो, एक साथ रह रहे हो, है ना। लेकिन जिस तरीके से ये थर्ड पर्सन आने के बाद आपकी रिलेशनशिप में चेंज आया ना, वो चेंज भी मैं बता दूं आपको, चेंज भी अचानक आया है, एकदम चेंज आया है। ये चेंज ऐसा नहीं था कि मतलब आप इस चेंज के लिए पहले से तैयार थे ना, एक इस तरीके से प्लानिंग की गई इस चेंज को, ये चेंज ऐसे नहीं आया है। ये चेंज मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके साथ धोखा हो गया, है ना। धोखा ऐसे हो गया क्योंकि आपने देखो विश्वास तो किया अपने पर्सन के ऊपर, बहुत विश्वास किया, लेकिन विश्वास उन्होंने भी आपके ऊपर किया। ऐसा नहीं कि आप, आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे या कमजोर था, नहीं है, सब कुछ ठीक था, बेस्ट था। लेकिन जो ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, जो ये सोर्ड्स को लिए है अपने हाथ में, तो मतलब ये सोर्ड्स को लेकर क्या, मतलब क्या एनर्जीज है ये? ये एनर्जीज ऐसे क्लेवर इंसान की है जो कि हर तरीके से कंट्रोल कर लेता है रिश्ते को, हर तरीके से। तो या तो ये पर्सन ऑलरेडी इनके साथ रहता है, इनके डर की वजह से अभी आपके साथ बात नहीं हो रही है इनकी, ये भी चीज दिख रही है मन में आपके पर्सन के। है मैंने बोला ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो टू ऑफ पेंटिकल में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आया है तो टू ऑफ पेंटिकल के साथ आया, बहुत बड़ा कार्ड आया है, ये छोटा कार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्ड है। मैं तो अगर बोलूंगी कि ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दें, फिर तो आपका मिलन पक्का है। और आप जो मतलब जो इतने लंबे टाइम से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी खराब हो रही है, जो दूरियां सी आप में आ रही हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट पिछले काफी टाइम से, तो फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि चलो भाई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है तो है, लेकिन पर्सन के माइंड को क्या हो गया ना, वो तो अपने माइंड को चेंज करके बैठ गए हैं, है ना, वो तो अपने माइंड को ही चेंज करके बैठ गए हैं। वो तो मतलब अगर देखा जाए तो वो तो किसी बात को सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। चलो पर्सन की साइड से एक कार्ड निकाल ही लेते हैं, जब इनकी एनर्जीज को देख रहे हैं तो एक कार्ड ये निकालते हैं कि इनको आखिर ये किसी बात का ढंग से रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं आपको, है ना, इस चीज को देखते हैं क्या। ओहो यहाँ तो लिख रहा है कि केयरिंग, ओके देख रहे हैं आप कार्ड को, देखे ये है हिडन फीलिंग्स, इसको बोलते हैं हिडन फीलिंग्स। मतलब आप, आपको शो क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है शो, आपके पर्सन आपको क्या शो कराने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, यही तो शो कराने की कोशिश कर रहा है ना। क्योंकि अगर भाई आप कॉल कर रहे हो वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर रहे हो वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबा होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं हो रही है, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा, तो भाई आप तो यही सोचोगे ना शायद परवाह नहीं है इसीलिए, बट यहाँ तो कुछ और ही कह रहे हैं कार्ड, है ना, कार्ड कुछ और ही कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो कार्ड ये कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ही आ रही है ये चीज, आप ही सोच रहे हो ऐसा कि उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें बहुत परवाह है, आपकी बहुत परवाह है उन्हें, बहुत ही केयर है। और उन्होंने जो आपको कमिटमेंट दिया है ना, जो आपके साथ कमिटमेंट किया है उन्होंने, उस कमिटमेंट को लेकर वो सीरियस है, तभी तो आया है ना यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये रहा ना द क्रिएटर का कार्ड। मतलब साफ है अगर हम देखें टोटल एनर्जीज को, हम देखें छोड़ देते हैं हम ये सारे कार्ड्स वगैरह हम साइड कर देते हैं, हम सिर्फ टोटल एनर्जीज को देखें, और ये एनर्जीज को अभी हम लेकर नहीं आएंगे क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो है ना वो एक फियर है, यहाँ पर ये फियर है, ठीक है ना। आपके पर्सन का जो माइंड चेंज हुआ है, जो पर्सन इस वक्त किसी चीज को सुन नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर यही है। खैर हम अभी इस
एनर्जीज को साइड कर रख दे और हम टोटल एनर्जीज को देखें तो टोटल एनर्जीज क्या निकल रही है, टोटल एनर्जीज सिंपल सी निकल रही है, सिंपल सी। और वो ये निकल रही है कि सक्सेसफुल चेंज है, वो वापस आएंगे, उन्हें आपकी बहुत केयर है, परवाह है, विल ऑफ फॉर्च्यून कोई पास से आ रहा है, उठकर वापस आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी आपने, है ना। ये जो एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, कहीं कहीं ये एनर्जीज पता है क्या दिख रही है, आप एक घर में रह रहे हो, आप एक साथ में हो, आपका वर्किंग प्लेस अलग है, लेकिन आप मीलों के डिस्टेंस में आ चुके हो। आज एक घर में रहकर, एक साथ रहकर, लिव इन में रहे हो लंबे टाइम तक, और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आप एक घर में रहकर, एक साथ रहकर, आप मीलों का इतना क्या लॉन्ग डिस्टेंस वाला होगा जितना आप एक साथ में रहकर लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए हो। सही है ये नहीं एनर्जीज, ये बताना आप जरा, है ना, क्योंकि ये स्थिति तरह दिख रही है। और कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल ये कर रही है किंग ऑफ सोर्ट्स, है ना। इसका ऐसा असर है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं, आपके पर्सन जान रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपके प्यार को भी समझ रहे हैं, वो खुद वापस आना चाहते हैं। कार्ड हमें प्रॉपर कार्ड ये कह रहा है कि अब उन्हें परवाह होने लगी है, पहले तो बीच में वो थोड़ा सा चेंज हो गया था उनका, है ना, चेंज हो गया था, लेकिन अब उन्हें परवाह हो रही है आपकी। हिडन है लेकिन परवाह है, हिडन है। हिडन मतलब क्यों है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि इंसान सोचता है लेकिन वो उस चीज को एक्शन में लेते लेते टाइम लगा देता है, लेकिन एक्शन आता जरूर है, है ना। एक्शन लेने के लिए हमें पहले थिंक ही तो करना पड़ता है ना, सोचना ही तो पड़ता है ना, जब सोचा है तो फिर एक्शन भी डेफिनेटली होगा। अभी ये कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड क्यों आया, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका दिल उन्होंने दुखाया, हर्ट किया है, उन्होंने जब आपके साथ जब एक लंबे लंबे समय तक जब एक कांटेक्ट में रहे हो। मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि आप बाहर भी घूमने गए थे, या आप हो सकता है कि जनरल रीडिंग में सबके साथ ये बात मैच ना करे कि बाहर गए थे या आप एक साथ टाइम स्पेंड किया है, है ना। लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से केयर बहुत है, चीज़ों को छुपाते बहुत हैं, बहुत छुपाते हैं आपसे, अपनी हिडन फीलिंग्स को बहुत ही छुपाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो मेरे सामने बार बार आ रही है, और यही चीज है ना, मैंने कहा था ना कि आखिर वो चाहते क्या है, क्या है उनके मन में, केयर है उनके मन में, केयर है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब थर्ड पर्सन के साथ आए थे या थर्ड पर्सन उनको मिसगाइड कर रहा था तो चीजों को उन्होंने उतना नहीं लिया, लेकिन आज आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आज उन्हें महसूस हो रहा है ना। वो आपको मना किया, उन्होंने आपसे रिश्ते को भी मना कर दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो जिसमें मतलब चुप होकर भी बैठे हैं। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ साइलेंस एनर्जीज में, एकदम साइलेंस, है ना। मतलब आप उन्हें बोले जा रहे हो, मैसेज करे जा रहे हो, लेकिन वो साइलेंस, एकदम साइलेंस, लेकिन हिडन फीलिंग्स ये आ रही है, है ना। क्योंकि क्यों है साइलेंस, किस लिए है साइलेंस, क्योंकि आज उन्हें समझ आ रही है चीजें, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की ना उसकी में उसमें वो क्या बोले, वो ये तो बोलेंगे नहीं कि हाँ चीजें, लेकिन हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी गाइस आपको, जिस दिन आपका पर्सन आपको सच्चाई बताएगा ना, ए टू जेड आपको क्लियरिटी देगा, ठीक है ना। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए आपकी एनर्जीज को थोड़ा चेक करूंगी मैं कि खुद की एनर्जीज आपकी क्या हो रही है। अच्छा, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है क्या आपको, यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड में दिख रहे हैं, आप तो ना अपने पर्सन का वेट कर रहे हो गाइस। करियर को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन करियर से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी मुझे यहाँ पर ना रिलेशनशिप को लेकर दिख रही है। क्या ये सच है, क्या ट्रू है, क्या कार्ड जैसा कह रहे हैं ऐसी एनर्जीज मिल रही है क्या आपके साथ, बताइएगा। आप लोग बताते हैं ना, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो मैम 100% रेटिंग मिल रही है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ सच में गाइस, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर में प्रॉब्लम्स है आपको, करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन करियर से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आपको अपने रिलेशनशिप में लग रही है। क्योंकि सेपरेशन की स्थिति में होना और आपको यही लग रहा है कि वो कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं आपको देख रही हूँ, आप इंतजार कर रहे हो, आप वेटिंग एनर्जीज में हो, है ना। तो आप इंतजार करने से अच्छा आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बता देती हूँ कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉन्टेक्ट कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, और मैं आपको क्लियरिटी कर दूंगी कि हाँ ये आएंगे कि नहीं आएंगे। इतनी स्ट्रेस ले रहे हो ना, इतना स्ट्रेस मत लो, पॉजिटिव हो जाओ थोड़ा सा, अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करो। पॉजिटिव रहने से ना बहुत फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो रिमूव होती है, और जब पॉजिटिव होता है ना तो चीजें हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ना। तो ये जो एनर्जीज आपकी आ रही है ना, इस एनर्जीज में दिख रहा है कि दिन रात, एक तो रात में ना आप रात में जाग रहे हो,
है ना, रात में जागते हो, करियर में भी देख रही हूँ मैं कहीं कहीं कुछ करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, करियर में थोड़ा सा ना इस वक्त स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, चीज़ें जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज भी मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और झगड़ा भी किसी के साथ हुआ है क्या आपका, या कोई ऐसा पर्सन है मतलब जो बहुत ज़्यादा झगड़े है उसमें आर्ग्यूमेंट्स में लगे हुए हैं कुछ? तो यहाँ पर करियर में काफी ज्यादा इश्यूज दिख रहा है, करियर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है करियर में सब कुछ ठीक है लेकिन प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हो जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी हो रही है कि करियर में मन नहीं लगना, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स भी अगर आपके बारे में मैं बोलूँ फाइव ऑफ वैंड्स को देखकर, तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इस वक्त काफी ज्यादा हर चीज को लेकर झुंझुलाहट से आपके मन में हो सकती है, कार्ड को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, एनर्जीज को देखकर तो मतलब ये एनर्जीज मैं आपकी निकाल रही हूँ फाइव ऑफ वैंड्स की। कभी मतलब समटाइम्स ये जो फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है किसी इस चीज को भी बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपके मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है, या बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो अपने प्यार को पाने के लिए, आपकी रिश्ते को पाने के लिए। और मैं पता है क्या गाइस, मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि मतलब इस पर्सन से ना आपको बहुत उम्मीदें थी, है ना, लेकिन इस पर्सन ने आपको थर्ड पर्सन की वजह से धोखा दे दिया, थर्ड पर्सन की बातों में आकर इसने आपके साथ को छोड़ दिया, आपके रिश्ते को तोड़ दिया, आपके प्यार को नहीं समझा, सोलमेट एनर्जीज में निकल कर आ रहा है जबकि ये पर्सन आपके साथ सोलमेट एनर्जीज में, क्योंकि तो मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एक सोलमेट, जो सोलमेट जिसका डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो, जिसका साथ आप किस्मत में लिखवा कर लाए हो, और उसका साथ मिला भी है, ऐसा नहीं कि उसका साथ मिला नहीं है, उसका साथ आपका रहा नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इतने तो बिखर गई, और जब से ये थर्ड पर्सन आया ना तब से चीज़ें जो है वो आपकी उलझती चली गई, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है भाई, अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो हाँ इस इंसान को जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कहीं ना कहीं इसको एहसास है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन इनको एहसास है कि इन्होंने आपको दिल दुखाया है, इनको एहसास है कि ये इन्होंने गलतियां की, जो गलतियां इन्हें अब रियलाइज हो रही है, अब समझ आ रही है कि हाँ मिस्टेक्स की इन्होंने, है ना, तो ये चीज इनको जो है वो समझ यहाँ पर आ रही है, और अब इन्हें बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इन्हें सैड एनर्जीज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इन्हें दुख लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ये पश्चाताप में है कि पश्चाताप इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चाताप इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने मतलब आपके प्यार को ठुकरा दिया या आपके प्यार का रिश्ता तोड़ दिया, आपके प्यार का, है ना, दूसरों के सुनकर, है ना। तो अभी ये करंट एनर्जीज को देखूं तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है मन में बहुत कुछ है, मन में वापस से वही प्यार जाग रहा है, मन में केयर जग रही है ना। इतने टाइम साथ में रहने के बाद भी अगर इनसे कुछ ऐसा हुआ है, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि कहीं कहीं इन्होंने मतलब कई बार ही आपकी लाइफ में आए, कई बार आए कई बार गए, मतलब कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन, और हर बार आपने इनकी गलती को चाहते ना चाहते आपने इनकी गलती को माफ़ किया, फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं आज फिर वही सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अंदर से ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब ये कुछ ऐसी स्थिति इनकी आ रही है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो अब ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके पेन को बता रहा है, इनकी फीलिंग्स को बता रहा है, और इनकी इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इन्हें माफ़ी मांगनी है आपसे हाथ जोड़कर, और आपको आपसे ये कहना है कि मुझे अपना लो, है ना। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रही हैं, और ये ग्रह कार्ड यहाँ पर मतलब कुछ क्लेवरनेस ऐसी है ना जो थर्ड पर्सन की जो इन्हें समझ आ रही है, इन्हें अब समझ आ रही है ना, इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत रूडली हो रहा है या बहुत ज़्यादा धोखे हो रहे हैं, या जिस तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पर्सन इनको भी चीट कर रहा है, इस चीज़ का भी इनको एहसास हो रहा है। तो आज बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका पर्सन आपके प्यार के लिए कोई स्टेप लेगा ज़रूर, कोई ठोस स्टेप लेगा, और ये आप देखिएगा क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना उस हिसाब से आपका प्यार आपकी लाइफ में दोबारा लौट रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अभी देखेंगे कि कब टाइमिंग दूंगी मैं आपको, टाइमिंग बताऊंगी मैं, जो भी टाइमिंग दिखेगा मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ देखिए, सबके नेम अलग है, सबकी एज अलग है, सबके प्लेस अलग है, सबकी राशियाँ अलग है, तो एक जनरल रीडिंग के बेस पर जो टाइमिंग दूंगी उसको आप देखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए फिर आप एक बारी कॉन्टेक्ट कर लो मेरे से, ठीक है, चीज़ों को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो।
तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा पहले राशियों को चेक कर लेती हूँ मैं, राशियाँ क्या है इस वक्त राशि के, तो डिटेल में रीडिंग कर दिया करूँ मैं, क्योंकि डिटेल्स में क्या होता है ना गाइस, डिटेल्स में क्या होता है ना कि मैं अच्छी तरह समझा पाती हूँ आपको। अब एक या दो कार्ड चार कार्ड में रीडिंग खत्म कर दूँ तो फिर जो आगे की चीज़ें हैं वो कैसे दिखेंगी। तो डिटेल्स में रीडिंग थोड़ा बताइएगा कि पसंद करते हो आपकी नहीं पसंद करते हो, है ना, ये चीज़ भी देखो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डिटेल में ही आंसर आ पाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इंतजार तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन, पता है ये फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, ये इनके अकेलेपन को बता रहा है, अकेलापन, एक अकेलापन इस वक्त ये समझ रहे हैं कि अकेलापन होता क्या है, है ना। क्योंकि अब इनका इनकी इनकी पेनफुल एनर्जीज को समझने वाला जो कोई नहीं है ना, आप इनकी पेनफुल एनर्जीज को समझते थे, दुख दर्द को समझते थे, हर चीज को अंडरस्टैंड करते थे, है ना, खुद आकर आगे बढ़कर इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, बहुत ज्यादा मतलब प्यार दिया है आपने इस रिश्ते को, है ना। तो अब ये अकेलापन दिख रहा है, ठीक है, लव पर्सन हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं कि हो ये आपके साथ, ये कोई फैमिली फ्रेंड्स में हो ये पर्सन, या एक्स्ट्रा मैटर पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। बताइएगा किस किस रिलेशनशिप में हो आप, हो ठीक है, बस उसका नाम लेकर आपको रीडिंग देखनी है। तो चलिए अभी राशि देख लेते हैं, राशियां। तो देखिए राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर लिब्रा कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, सजिटेरियस जैमिनी दिख रहे हैं, पाइसिस दिख रहे हैं, सिंह कैंसर राशि दिख रही है, मेष राशि दिख रही है, और ठीक है ना। तो यहाँ पर ये राशियां दिख रही है, सक्सेसफुल एनर्जीज क्यों बार बार आ रही है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपकी जो उम्मीदें हैं ना, जो खत्म हो गई थी उम्मीदें, अब उम्मीदें वापस से जागती हुई नजर आ रही है। प्यारा सा कार्ड है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, और यूनिवर्स करे जो कार्ड में दिख रहा है एनर्जीज कनेक्ट हो ईश्वर करे आपसे। तो एक्चुअली टाइम मैं बता देती हूँ, टाइम भी बता देती हूँ, और जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपकी पर्सन का मैसेज भी लूंगी, मैं मैसेज भी लूंगी, मैसेज के जरिए भी जानूंगी आखिर वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है ना। तो एंजल्स नंबर आज के लिए मुझे 4 दिख रहा है, और 4 नंबर मुझे दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कमाल का होता है ये नंबर 4। 4 नंबर का सीधा सीधा मतलब है कि हाँ भाई, ये जो रुकी हुई एनर्जीज है ना, ये फ्लो में जाएगी, और फ्लो में अगर एक बार एनर्जीज चली गई ना आपकी, अगर आपका प्यार अगर आपकी बार लौट कर आएगा ना रिश्ता, तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा रिलेशनशिप, बहुत ही स्ट्रांग, आप अलग नहीं होगे फिर, है ना। एक पॉजिटिव साइन मेरे को दिख रहा है, बार बार मेरे को पॉजिटिव साइन दिख रहा है, और इस पॉजिटिव साइन का मतलब है, और इस वक्त अगर पॉजिटिव साइन दिख रहा है, इस वक्त कुछ ऐसे उपाय कर लो आप, या कुछ इस तरह की एनर्जीज कनेक्ट कर ले, है ना, तो डेफिनेटली रियूनियन की पॉसिबिलिटीज हजार गुना बढ़ जाएगी, हजार गुना, मतलब जिसको आप उम्मीद से छोड़ चुके हो उस पर्सन की आने के लिए दिखाई दे रही है। अच्छा टाइमिंग मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर टाइमिंग बता देती हूँ, और नंबर्स बता देती हूँ, एंजल्स मैसेज बता देती हूँ, ठीक है, उनका मैसेज बता देती हूँ। रीडिंग को पूरा देख लेना, ठीक है, छोड़ना मत रीडिंग को, पूरा ही देखना ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो। ओके देखिए माफी मांगने की एनर्जीज बिल्कुल आ रही है, इन्होंने बहुत ज्यादा आपके साथ धोखा किया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक करके मतलब काफी ज्यादा इनके और आपके बीच में डिस्टर्ब एनर्जीज हो गई है। दूसरी चीज ना, ये सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो आपसे कहा, या जो जिस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है पिछले कुछ टाइम से, कि मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है ना वो आपसे माफी मांग रहे हैं, और आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उनको एक मौका चाहिए, क्योंकि इनको इनको ये पता है कि इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, इनसे गलतियां हुई हैं, शायद आप दोनों के बीच में ना कुछ भी ऐसे इश्यूज भी दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब लाइक अब दोनों ना सेपरेशन में आकर मतलब अलग होने की बात भी कर रहे हो, सकते हैं इन्होंने आपसे कहा हो कि ये आपसे अलग हो जाएंगे अगर आप एक साथ रहे हो तो, है ना, जिस तरह की एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये आप माफी मांगना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, हार्ट टचिंग फीलिंग्स दिख रही है। थर्ड पार्टी तो आपके रिलेशनशिप से जाएगी ही जाएगी जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है। अब आप इस कार्ड को देख रहे हो, इस कार्ड में साफ सॉरी लिखा हुआ है, और साफ तरीके से वो आपसे विनती कर रहे हैं कि आप इनकी जिंदगी में लौट आइए। तो अब मैं टाइम जो है वो आपको बता देती हूँ कि मुझे टाइमिंग क्या दिखाई दे रहा है। मुझे टाइमिंग जो दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप की, वो टाइमिंग मेरा 7 नंबर दिख रहा है। अभी ये 7 जो नंबर मुझे दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स कुछ मिनट्स हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, 4 बजे हो सकते हैं,
सात का भी टाइम दिख रहा है, तो 7:07 हो सकते हैं, 7 घंटे हो सकते हैं, अभी जवाब में 7 डेट हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पर 7 और 4 का नंबर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये 4 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर जो टाइमिंग भी दिखाई दे रही, कॉल या मैसेज आने की टाइमिंग दिख रही है, वो इवनिंग की टाइम सबसे ज़्यादा दिख रही है, मतलब लेट नाइट हो सकती है, इवनिंग से लेट नाइट तक का टाइमिंग जो दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। इस टाइम पर आप फ़ोन पर नज़र रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज, सीधा सीधा वो आपको अपनी फीलिंग्स पर शेयर करेंगे, ये चीज भी आप देख लेना। हाँ, कुछ चीजों में ऐसी होगी जिसमें उनको हिम्मत नहीं पड़ेगी एकदम से बोलने की, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से आपके साथ बात नहीं की है। सेकंड चीज ना, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपसे अपनी कुछ ऐसी बात है जो शेयर करना चाहते हैं, ये चीज भी यहाँ पर दिख रही है गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरे इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे रीडिंग को प्लीज जरूर बताना मुझे। अपना ध्यान रखना है, ठीक है, बाय बाय।